राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में मानवतावादी समाज पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गौतम ने बताया कि सम विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के शीर्षनाथ अधिकारियों के स्नेहिल उपस्थिति में भविष्य राजनीतिक पहलुओं पर संवाद स्थापित करने के लिए आज इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया गया, जहां पर प्रमुख बात यह भी है कि सदस्यता अभियान को आखिर कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी चिंतन मंथन किया गया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता प्रखर वर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गौतम से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं उनकी एक खास रिपोर्ट। होना चाहिए, कानून होना चाहिए पूरे समाज में, उसको लाना पड़ेगा। इस समाज में एक एक जैसे नाम लोगों के होने चाहिए, एक जैसे कोई दृष्टिचिन्ह नहीं होना चाहिए, कोई निशान नहीं लगाना चाहिए, कोई एक जैसा वस्त्र, सभी का वस्त्र एक समान होना चाहिए। सब देशों में एकरूपता है, देश में ड्रेस में, यहाँ पे सबके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के सबके अलग अलग ड्रेस हैं। इसको बदलना पड़ेगा, इस समाज को बदलिए तभी लोकतंत्र की बुनियाद अच्छी होगी। लोकतंत्र को लाना है तो धर्म जात को मुक्त करना है। इस समाज में प्रचार के जाति धर्म के प्रचार में कितने दंगे हुए हैं, कितने खून बहे हैं। ताजा मिसाल है नूह हिंसा और मणिपुर हिंसा, ये सिर्फ जातिगत और धर्म आधारित है, लेकिन कोई पार्टी ये नहीं बोल रही कि जाति मद्देनजर रखते हुए हमने मानवतावादी समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आर एस यादव आर्य स्वामी